मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयोग सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि जो उद्योग लगे वे लगातार चलते भी रहें, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका तत्काल निस्तारण किया जाए। मंडलायुक्त ने गीडा की नालियों का कार्य 30 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 जुलाई तक CETP का DPR बनाकर दें। उन्होंने उद्यमियों की शिकायतों के मद्देनज़र पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापारियों के साथ लगातार बैठक कर उनकी शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी SP सिंह, SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, व्यापारी नेता जवाहरलाल कसौदन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और उद्योग बंधु मौजूद रहे। आप और आपका विभाग और SPP के बीच में क्या चल रहा है वो आप जानते हैं, ये आप अपने अनुसंधान को भी बता सकते हैं। आपको ये नहीं तो बताना होगा इसका क्या कंपनसेशन है और क्यों कोई आप नियम उठाते हैं या चेक करते हैं हमारे गीडा के पदार्थ व्यापार में जो पत्नियों को संज्ञान में लेकर के आप पूरा सर्वे करके उसके बाद ये रकम ले जाए, इसे कैसे सर्वे कीजिए? 4 दिन में चार लोग आस आए थे और चार लोग भी उनके भाई बच्चे का उनसे वार्ता करने के पश्चात जो भी आप द्वारा बताया गया या कमेटी ने जो देखा क्या डिस्चार्ज है, कितना प्रोडक्शन है, NOC है कि नहीं है, कंपनी ऑपरेट है कि नहीं, CGWA से परमिशन लिया है कि नहीं लिया है, इन सब बिंदुओं पर पूरे DG के डायरेक्शन थे वो टू लखनऊ इंडिश में जाकर दाखिल करेंगे। अब वोट की अंतिम वोट के अंदर 30 दिनों की कमेटी बैठ जा रही है और व्हाइट कैंडिडेट्स को हालांकि